कुरान पाक में कम अज कम एक पारा जो है वो नाजरा पढ़ने की जरूर कोशिश करे, यानी किरात या तिलावत जो है, और उसके लिए बेहतरीन वक्त जो है वो फजर का है। अगर आप सुबह के वक्त उठते हैं तो सहरी के वक्त में दो अहम काम कर सकते हैं। एक तो इस्तिग़फ़ार की कसरत, यानी उस वक्त की तस्बीह आप इस्तिग़फ़ार कर लें। आप अगर उस वक्त मजीद नफल पढ़ने का वक्त नहीं है, सहरी लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं, घर वालों को जगा रहे हैं और कुछ ना कुछ काम आपके जिम्मा है, तो चलते फिरते इस्तिग़फ़ार को लाजम कर लें, क्योंकि तीसरे पारे में आपने पढ़ा था सहरी के वक्त वो इस्तिग़फ़ार करते हैं, तो उस वक्त आप कसरत से इस्तिग़फ़ार करें। दूसरी बात, वो जो सूरत आले इमरान का आखिरी रुकू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवेरे उठ के वुज़ू से पहले पढ़ते थे, कोशिश करें कि उसी तरह पढ़ सके। अगर जबानी याद कर लें तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं भी तो कहीं पर लिख कर लगा दे और उसको पढ़ें, क्योंकि ये सुन्नत पर अमल हो जाएगा। अब होता क्या कि आमतौर पर ख्वातीन क्या करते हैं, आपने सहरी की, मर्द हजरात तो चले गए मस्जिद, आप पीछे से किचन साफ करना शुरू कर देते हैं। किचन हो जाएगा साफ, हट जाइए वहां से, आइए मिसवाक बहुत अच्छी तरह कीजिए और अच्छी तरह वुजू कीजिए और तवील फजर की नमाज पढ़िए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज सारी नमाजों में लंबी पढ़ते थे। अफसोस ये कि हमें कुरान का इतना हिस्सा याद नहीं, लेकिन जो भी लंबी लंबी सूरत याद है उसको उसमें पढ़ने की कोशिश करें। दूसरी चीज जो उससे पहले करने की है वो तिलावत कुरान है। इन कुरान अल फजर काना मशहूदा, इसको मिस ना होने दें। जितनी तौफीक है, जो लोग ज्यादा तेज पढ़ सकते हैं वो कम से कम पारा पढ़ सकते हैं, ज्यादा भी पढ़ सकते हैं, तो सूरज निकलने से पहले तक आप क्या करें, फजर की नमाज और तिलावत में वो वक्त गुजारें, और बहुत इबादत का बेहतरीन वक्त है। फिर उससे पहले कि सूरज तुलू हो आप क्या करें, सुबह शाम की दुआएं जो है मसनून अस्कार वो कर लें। सुबह शाम के मसनून अस्कार यानी वो दुआएं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह शाम पढ़ा करते थे, आप मसनून दुआओं की किसी भी किताब से ले सकते हैं। इस सिलसिले में एक किताब वइय्याका नस्तईन के नाम से अलहुदा से शाया की गई है, इसमें इन दुआओं की सनद, फजीलत, पढ़ने का तरीका और उर्दू और अंग्रेजी तर्जमा भी मौजूद है। तो अगर जुबानी नहीं आ तो आप देख कर पढ़ लें। फिर क्या है कि सूरज निकल आया, अगर उस वक्त आप थोड़ा सा और इंतजार कर लें ये जिक्र अजगार करके, तो दो नफल जो है वो पढ़ के फिर आप उठे। लेकिन अगर बीच में आपको बच्चों को स्कूल भेजना है या कोई और काम करना है तो आप वो काम कर सकते हैं, करके आके दो नफल जरूर पढ़ लें, क्योंकि वो जो दो नफल है वो दिन भर के लिए काफी है। आपको अल्लाह ताला बहुत से आपके काम अपने जिम्मे ले लेगा। उसके बाद फिर थोड़ी सी हल्की सी दुआ करके फिर आप किचन में चले गए। अब आप देखेंगे, अब आप जो किचन में जाएंगे बरकत भी होगी, राहत होगी, दिल की अजीब खुशी होगी। लेकिन जब हम दुनिया के कामों को तरजीह देते हैं और इबादात को पसेपुश डालते हैं, पहले वो पकाने खाने में लगे रहे, फिर संभालने में लगे रहे, फिर जब नमाज को वो सूरज निकलने वाला हो गया, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी, उस नमाज में कोई लज्जत नहीं, फिर उतने में बच्चे जाग गए, कोई और काम हो गया, फिर उनमें लग गए, फिर कुरान पढ़ना रह गया। क्योंकि मुझे मालूम है कि उस वक्त अपने आप को कामों में से, क्योंकि इंसान कहता है ये थोड़ा सा जल्दी से समेट लो बस फिर मैं फारिग इधर से, क्योंकि छोड़िए उसको पहले इधर से फारिग होइए, फिर उसके बाद आप अपना आराम से जो भी किचन विचन संभालना है जो करना है, फिर उसके बाद आप यहाँ आने की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आपके पास कुछ और वक्त बीच में है, हर एक की चूंकि मसरूफियात फर्क है, इसलिए मैं थोड़ा सा ये टिप्स दे रही हूँ आपको, हो सकता है आप इससे बेहतर प्रोग्राम रखते हो, लेकिन शायद मेरे जैसों को कुछ जरूरत हो अपने आप को रूटीन में इस तरह लाने की, तो आप कोई किताब पढ़ सकते हैं या जिक्र अजकार चलते फिरते कर सकते हैं, घर को समेट संभाल लीजिए, फिर आप आ जाइए, फिर आप यहाँ कुरान पाक सुनते हैं। क्योंकि इल्म के रस्ते पर एक एक कदम जो इंसान निकल कर आता है उसका बेपनाह अजर है, और मिल बैठ के जो हम पढ़ते हैं इसकी एक और ही बरकत है। और फिर उसके बाद आप यहाँ अगर कोशिश करें जोहर की नमाज पढ़कर जाए, अगर यहाँ नहीं तो घर जाकर फौरन ही फिर आप जोहर की नमाज पढ़ें, और फिर उसके बाद ये है कि अगर आराम करना है कुछ देर आराम कर ले ताकि फिर शाम की इबादत जो है रात की अच्छी हो। तो फिर उसके बाद हर एक अपने अपने रूटीन का काम कर सकता है। फिर खासतौर पर इफ्तार के करीब जो है वो थोड़ा सा अपने आपको रूहानियत की तरफ फिर लाएं, इफ्तारी लगा लें, कर लें जो भी करना है, 5 मिनट दें, 3 मिनट दें, 2 मिनट दें, 10 मिनट दें, हस्ब तौफीक जो किसी को अवेलेबल है। कहीं पर भी हैं आप, अपने घर में या कहीं इफ्तार करने गए हैं या कोई आपकी तरफ आया है या आप किसी गाड़ी में बैठे हुए हैं, इफ्तार से पहले के चंद लम्हे इंतहाई कीमतें हैं, दुआओं की कबूलियत का वक्त है, उसमें फिर दुआ की तरफ रुजू करें। और जो दुआओं की किताब जैसे कुरानी और मसनून अजकार की किताब अगर आपके पास हो तो उसमें से अगर आप सारी पढ़ लें तो पढ़ लें, सारी नहीं पढ़ सकते तो 5-7 पढ़ लें, फिर अगले दिन अगली 5-7, जितना जिसको तौफीक है। हर एक के हालात एक जैसे नहीं, कुछ के बच्चे बहुत छोटे होते हैं, कुछ लोग हर चीज से फारिग होते हैं। अब जिनके पास जितनी फरागत है उतना उनका हिसाब है,
तो वो उतना ज्यादा आप तवज्जो उधर कर लें।